अक्षवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिवराम सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। उर्जित पटेल का कार्यकाल सितंबर 2019 में खत्म होने वाला था। बता दें कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद चल रहे थे। वहीं गवर्नर के इस्तीफे के बाद अब डिप्टी गवर्नर के पद छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारतीय बैंकों का पैसा लेकर भागे कारोबारी विजय माल्या के केस में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आज लंदन के कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। हालांकि अभी माल्या के पास इस फैसले के खिलाफ 14 दिन के अंदर ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका है। बता दें, सुनवाई में जाने से पहले माल्या ने कहा था कि मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया, मैंने बैंकों का पूरा पैसा चुकाने की बात की थी। बकाया चुकाने का प्रत्यर्पण से कोई लेना देना नहीं है। बता दें, विजय माल्या पर बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार से केंद्र की सरकार ने कई वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। बता दें, उपेंद्र बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उनकी मांग थी कि 2019 के लोकसभा में उन्हें बिहार में 4 सीटें दी जाएं, लेकिन बीजेपी उन्हें 2 ही सीटें देने पर अड़ी थी। इसी वजह से वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने अगस्ता वेस्टलैंड डील के बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई रिमांड 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी। इससे पहले मिशेल के वकील ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे जज ने खारिज कर दिया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए, जिस पर मिशेल के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये आरोप गलत है। बुलंदशहर हिंसा में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में गिरफ्तार सेना के जवान जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू फौजी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद जवान ने अपना गुनाह कबूला। हालांकि बुलंदशहर हिंसा का मास्टरमाइंड बजरंग दल का नेता योगेश राज अब तक पुलिस के शिकंजे से बाहर है। बता दें, SIT और STF ने लंबी पूछताछ के दौरान फौजी से करीब 500 सवाल पूछे, जिसके बाद जीतू फौजी टूट गया और उसने इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।